हेलो दोस्तों, जिंदगी का असली मजा खाने में है। और आज के खाने में हम लाए हैं कुछ नया सा दिखने वाला डेरी मिल्क, पुराना वाला चॉकलेट। ये है टिफिन स्ट्रीट कहते, होम ट्रीट की जगह पैकिंग चेंज कर दिया है। तो देखते हैं इसका टेस्ट और इसका रिव्यू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाना। मुझे पता है आप तो लाइक कर दोगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं ये कैडबरी डेयरी मिल्क क्या है। वो देखिए, कैडबरी होम ट्रीट 18 है। टिफिन कहते टिफिन बॉक्स में दे दियो बोल रहा है। डायरेक्ट जिप लॉक है, फ्रिज में लगाओ या डायरेक्ट सर्व करो। तो ये आपको आता है 126 ग्राम का और 150 रुपए में, यानी 150 रुपीज में। नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपने इस नया पैक को खरीदा है कभी। टिफिन वाले होम ट्रीट 18 बोल रहा नहीं बोल रहा हूं मैं, ओनली टिफिन स्ट्रीट बोल रहा हूँ। नया पैकिंग है, इस दिवाली आया है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं और देख लेते हैं कैसे पैकिंग है ये। ओहो भाई, ये चॉकलेट्स गिर गए हैं। तो देखिए ये चॉकलेट आया है, इसमें किस तरह से दिख रहा है देखिए। कैडबरी डेरी मिल्क बोल रहा है और काफी बढ़िया लग रहा है यार। इसका पैकिंग भी बहुत ही बढ़िया है। देखिए किस तरह से ये कलर को और इस गोल्डन कलर को इन्होंने मैच किया है, बहुत ही बढ़िया है यार। चलिए इसे खोलते हैं और खा के इसका रिव्यू दे लेते हैं। वाह, ये फट गया है, बहुत ही परफेक्ट बाइट्स है यार टिफिन्स के। देखिए दिखने में कुछ इस तरह से दिख रहा है, कैडबरी बोल के लिखा हुआ है। ये कैडबरी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। 150 रुपीज में आपको ऑलमोस्ट कितने यूनिट्स आते हैं इसके अंदर, ये भी लिखा है 18 यूनिट्स आते हैं यार। 18 यूनिट्स आते हैं यहाँ पर देखिए, ई 7 ग्राम्स के। तो हमारे पास 18 चॉकलेट्स है। अगर 18 चॉकलेट्स है, अगर 150 रुपीज में आ रहा है, तो एक चॉकलेट कितने में पड़ रहा है हमारे को, समझ गए। ये जो हमने लिया है 2 बिट्स का, तो ऐसे 18 चॉकलेट्स है, इसमें क्या सो आपको 150 रुपीज पे करना होगा। 150 में आपको 18 चॉकलेट्स मिल रहे हैं, तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी। और उसके बाद बोलिए मुझे, सिर्फ ये हाफ बाइट है ठीक है, इसकी कीमत कितनी होगी, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर दिस चॉकलेट। देखिए इतने से की कीमत कितनी होगी, जरा कैलकुलेट करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कितना आया। तो चलिए खाते हैं और देखते हैं ये सिल्क है या नॉर्मल डेरी मिल्क। जी हाँ, ये नॉर्मल डेरी मिल्क है, सिल्क नहीं है। सिल्क और भी सॉफ्ट होता है, कहीं लिखा हुआ है सिल्क इसके ऊपर, कैडबरी डेरी मिल्क मिंट सिल्क है, सिल्क नहीं है। सिल्क का अलग होता है, सिल्क थोड़ा और नरम होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बिमना देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।